नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। मोहली सीतापुर, जैसा कि आपको मालूम है कि जनपद में लगातार बढ़ रहे पत्रकारों के उत्पीड़न तथा जनपद में खराब कानून व्यवस्था लगातार बनी हुई है। अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के अधिकारों और सम्मान का हनन किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गंगाराम यादव जिला अध्यक्ष पत्रकार एकता संघ सीतापुर के नेतृत्व में पत्रकार एकता संघ की टीम के द्वारा आज जिला अधिकारी महोदय सीतापुर को नोटिस जारी कर पत्रकारों को न्याय दिए जाने की मांग की गई। नोटिस में मांग की गई है कि जनपद में अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार को तत्काल बंद किया जाए और उन पर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त महोली पुलिस और प्रशासन चर्चाओं का विषय बना हुआ है और जनपद के अन्य कई थानों की पुलिस द्वारा भी पत्रकारों के उत्पीड़न तथा उनसे अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जहां पर पत्रकार एकता संघ के पदाधिकारियों का उत्पीड़न किया गया है, उन सभी थानों को चिन्हित करके उनमें भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग पत्रकार एकता संघ के द्वारा जिलाधिकारी से की गई है। संगठन ने मांग की है कि एक सप्ताह के अंदर हमारी मांगे पूरी करते हुए जनपद में कानून व्यवस्था में सुधार तथा नामित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो पत्रकार एकता संघ जनपद से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर पत्रकार एकता संघ के जिला अध्यक्ष गंगाराम यादव, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष दाऊद खान, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार राव, धर्मेंद्र कुमार पांडे, तहसील अध्यक्ष महोली आदि सभी उपस्थित रहे। जो पत्रकारों के साथ लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है गुंडों का साथ दे रहा है, पत्रकारों की और आम जनमानस को बिल्कुल सुना रहे हैं। लगातार हमारे पत्रकार भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, उनकी सूचनाएं बराबर हमारे पास आती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। इस संबंध में सबसे ज़्यादा मोहली तहसील प्रशासन की समस्या है, और भी कई थानों की समस्या है जो मैंने जिला कार्यालय के साथ किया है और मैं चाहता हूँ कि तत्काल नया जो न्याय का द्वार है वो पत्रकारों के लिए खुला जाए और इस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न बंद किया जाए, उनका शोषण बंद किया जाए, उनके साथ अगर पत्ता जो लगातार अधिकारी कर रहे हैं उन पर तत्काल मुकदमा लिखा जाए, उन पर कार्रवाई कराई जाए और पत्रकार जो है स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। जब पत्रकार कोई किसी की खबर दिखाने प्रयास करता है तो एनएलए काम कर रहा है, गैरकानूनी काम कर रहा है और उसको दिखाने प्रयास करता है गुंडों द्वारा और स्थानीय जो प्रशासन पुलिस है वो पत्रकार पर दबाव बनाती है कि सच्चाई को न दिखाया जाए। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उनको तत्काल बंद करने के लिए हमारे पत्रकार एकता संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अगर जो एक सप्ताह का समय दिया गया है ज्ञापन में, एक सप्ताह के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ क्या आश्वासन दिया आपको? यहाँ आश्वासन दिया गया है कि जो है जिलाधिकारी महोदय को और जो स्थानीय प्रशासन जहाँ जाके में लिखा गया है उन सबसे संपर्क करके न्याय के लिए कहा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम गंगाराम यादव, जिलाध्यक्ष पत्रकारिता संघ सीतापुर। देने के लिए आए हैं, क्या मामला है? मैं गंगाराम यादव, जिला अध्यक्ष पत्रकार एकता संघ सीतापुर। जो पत्रकारों के साथ लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है गुंडों का साथ दे रहा है, पत्रकारों की और आम जनमानस के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, लगातार हमारे पत्रकार भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, उनकी सूचनाएँ बराबर हमारे पास आती हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। इस संबंध में सबसे ज़्यादा मोहली तहसील प्रशासन की समस्याएं हैं, मोहली पुलिस की समस्याएं हैं और भी कई थानों की समस्याएं हैं जो मैंने जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन में लिख दिया है और मैं चाहता हूं कि तत्काल न्याय जो न्याय का द्वार है वो पत्रकारों के लिए खोला जाए और इस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न बंद किया जाए, उनका शोषण बंद किया जाए, उनके साथ अभद्रता जो लगातार अधिकारी कर रहे हैं उन पर तत्काल मुकदमा लिखा जाए, उन पर कार्रवाई कराई जाए और पत्रकार जो है स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। जब पत्रकार कोई किसी की खबर दिखाने का प्रयास करता है, कोई अनर्गल काम कर रहा है, गैरकानूनी काम कर रहा है और उसको दिखाने का प्रयास करता है गुंडों द्वारा और स्थानीय जो प्रशासन पुलिस है वो पत्रकार पे दबाव बनाती है कि सच्चाई को न दिखाया जाए। इस तरीके की जो घटनाएँ हो रही हैं उनको तत्काल बंद करने के लिए
हमारे पत्रकार एकता संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अगर जो एक सप्ताह का समय दिया गया है ज्ञापन में, एक सप्ताह के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ क्या आश्वासन दिया आपको? यहाँ आश्वासन दिया गया है कि जो है जिलाधिकारी महोदय को और जो स्थानीय प्रशासन जहाँ जाके लिए लिखा गया है उन सबसे संपर्क करके न्याय के लिए कहा जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम गंगाराम यादव, जिला अध्यक्ष पत्रकारिता संघ सीतापुर। वीडियो दे दीजिए बस कल ले भाई। R9 भारत के लिए सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।